नेशनल चैलेंजेस तो पाकिस्तान के लिए बेहद हैं, इंटरनेशनल चैलेंजेस और भी ज्यादा हैं। जिस तरह से आमिर साहब ने टीजर दिया कि चेतावनी आई है भारत से हमें पाकिस्तान के लिए सिंध मुआहदे से मुतालिक, पहले ही बहुत मुश्किलें पड़ी हुई हैं, नोटिस पे नोटिस पाकिस्तान को भेजे जा रहे हैं। साहब भारत के अंदर तो शोर मच गया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान मिल गए हैं कश्मीर के हवाले से, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ये मजबूर नहीं है, मजबूत है। ये अपडेट देख के और स्पेशली भारत का एक नोटिस देख के पाकिस्तानियों की नींद थोड़ी खराब होने वाली है। तो वो कहीं से भी किसी वक्त भी एक तो पानी हमारा रोक सकते हैं, उसके बाद जितनी मर्जी डैम्स बना सकते हैं, प्लस ये है कि यहाँ फ्लड वाटर वो उसकी हमें इतला नहीं देंगे, इसके बड़े खौफनाक वो हैं। उधर पाकिस्तान का कारोबार है लोगों के लिए, चाहे वो जिहाद के सामने रख के चला लें या दहशतगर्दी के साथ चला लें। देखे ना पाकिस्तान के जो हालात है उसको चलने वाले हालात है, 24 दफा बैंक्रप्ट हो चुका है, उसको बेल आउट किया है IMF ने। बेल आउट का मतलब होता है कि बैंक्रप्सी से बचाना। एक टाइम ऐसा आएगा जब भारत बोलेगा यार देखो ऐसा है, बाढ़ में जाओ, तुमको करना है करो, नहीं करना भाग जाओ यहाँ से, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने आप जो करना है हम करेंगे, उसके बाद आप देख लीजिए। ये मिसाल दी जाती थी कि जनाब देखें जितनी मर्जी इनकी दुश्मनी हो, जितने मर्जी ये जोहरी मुल्क बन चुके हों, मगर देखें इनका कम से कम एक वादा जो है वो स्टैंड कर गया। लेकिन ना शुक्र है तो हम कुदरती तौर पर हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमें तस्कीन और इत्मीनान नहीं मिलता, क्योंकि मैं तो यही देखता हूँ। वो उसके बाद फिर ऐसे मौक़ों पे जहाँ जब हमारी फसलें बिल्कुल पानी उनको ज़्यादा चाहिए उस वक्त पानी रोक लेंगे, और जब ज़्यादा पानी हुआ करेगा बगैर इतला के वो फ्लड का पानी इधर भेज दिया करेंगे। ये तो जंग है, ये तो जंग है। ये भारत का इंटेलिजेंट मूव है, भारत बहुत इंटेलिजेंटली प्ले कर रहा है। कैसे? आपने अपना केस मजीद कमज़ोर इस तरह किया कि आपने बेशुमार फ्लड वाटर और दूसरा पानी जो था उसको समंदर में तो डाल दिया, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया। उसने इंडिया को ये एज दिया कि इंडिया आज ये कहता है कि जी इस मुआहदे को रीनिगोशिएट होना चाहिए, चूँकि पाकिस्तान तो समंदर में पानी को डाल रहा है। एक दूसरे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर को इस तरह का स्टेटमेंट, मेरे ख्याल में तो जलती पे तेल वाली काम थी। फिर उन्होंने जवाब दे दिया ना, दूसरी तरफ से अमित शाह साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये हमारे पप्पू भाईजान और ये जो पाकिस्तानी पप्पू भाईजान ये भूल जाते हैं कि सेंटर चे बीजेपी जे। के हिंदुस्तान ने ये कह दिया है कि आप सिंध तास मुआहिदा जिसके तहत ये ब्यास सतलुज और रावी हमने इंडिया को दे दिए थे और बाकी चनाब झेलम और इंडस जो है वो हमारे पास रह गए थे, तो उन्होंने कहा जी इसको अब हम रीनगोशिएट करेंगे। और उसकी जो एक मीटिंग्स होती थी साल में एक दफ़ा कम से कम, कई दफ़ा दो दफ़ा भी हो जाती थी, उन्होंने कहा जी ये जो इसकी मीटिंग है परमानेंट इंडस कमीशन है जिसकी सालाना मीटिंग, उन्होंने कहा जी ये अब हम मीटिंग नहीं करेंगे, हमने जो है इसको अब ये एक माहिदा है जिसकी एक मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया भर में कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में 1960 में हुआ था, 64 साल सर्वाइव कर गया, इस दौरान में हमारी दो जंगें उनके साथ बल्कि तीन जंगें हुई, मगर ये माहिदा उसके अंदर भी जो है सर्वाइव कर गया। और ये मिसाल दी जाती थी कि जनाब देखें जितनी मर्जी इनकी दुश्मनी हो, जितने मर्जी ये जोहरी मुल्क बन चुके हों, मगर देखें इनका कम अज़ कम एक माहिदा जो है वो स्टैंड कर गया कि जिसके गारंटियाँ वर्ल्ड बैंक की तरफ से कराई गई थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये ख़त्म है, इसका मतलब ये है कि वो हमारा पानी जो है इन तीन दरियाओं का किसी वक्त भी बने, जो पहले ही लड़ाइयाँ रहती हैं कि झेलम के ऊपर और चनाब के ऊपर ख़ासतौर पर वहाँ पर किशन गंगा डैम का मसला रहता है, वुलर बराज का रहता है, तो वो कहीं से भी किसी वक्त भी एक तो पानी हमारा रोक सकते हैं, उसके बाद जितनी मर्जी डैम्स बना सकते हैं, प्लस ये है कि यहाँ फ्लड वाटर वो उसकी हमें इतला नहीं देंगे, इसके बड़े खौफनाक वो हैं। और बहाना उन्होंने ये लिया है कि जनाब हमने ये जो पिछला आपस की और उनकी हमारी जो लड़ाइयाँ ये जो रहते थे कंट्रोवर्सीज, तो उसमें था कि पहले आपस में तय करेंगे, अगर ना हो तो फिर वर्ल्ड बैंक आर्बिट्रेटर था, उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टली गए हैं, बहाना बनाना होता है, तो वो बहाने बनाए गए हैं। तो आप बताएं इसकी अहमियत क्या है? असल में ये मुआहदा जो बेसिकली जिस वक्त हुआ था उसी वक्त ही ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाला एक मुआहदा था,
जिसके नतीजे में आज तक 64 लाख एकड़ जो चोलिस्तान का सहरा है और उसके नीचे का सहरा है वो आज तक आबाद नहीं हो सका, जिसमें नहरें तक बन चुकी हुई थी। और उसके मुकाबले में इंडिया का राजस्थान जो है वो गुलो गुलजार बना हुआ है और वहाँ पर सेम है हुआ हुआ है। इसी वायदे की रोशनी से उन्होंने पूरे हमारे डाउन स्ट्रीम जो मुल्क होता है उसका पानी पे पहला हक होता है, लेकिन वो डाउन स्ट्रीम का हक जो है वो इंडिया ने चूंकि हमारे से छीन लिया था, इस वजह से वो मुआहदा जो है वो इतने साल तक चलता रहा, चूंकि इसके कंप्लीट बेनिफिशरी जो था वो इंडिया था। और हमने इसके अपने मुल्क के अंदर भी हमने जो जितने वर्ल्ड बैंक से और जर से हमें जो जो मिले थे उसमें भी हमने वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको भी हमने नहीं किया। हमने त्रिमु इस्लाम लिंक कैनाल जो बनानी थी वो हमने नहीं बनाई। अब इन तमाम फैक्टर्स की वजह से आपने अपना केस मज़ीद कमज़ोर इस तरह किया कि आपने बेशुमार फ्लड वाटर और दूसरा पानी जो था उसको समंदर में तो डाल दिया लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया। उसने इंडिया को ये एज दिया कि इंडिया आज ये कहता है कि जी इस मुआहदे को रीनिगोशिएट होना चाहिए चूँकि पाकिस्तान तो समंदर में पानी को डाल रहा है और हम जो है वो हम उसको यूज़ करते हैं, तो ये कहते हैं क्यों करते हो। तो ये एक इसकी बेस रीज़न है। दूसरी बात जो इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये मुआहदा अगर इंडिया इसके ऊपर कोई स्टैंड लेता है या किसी किस्म की भी इसकी वायलेशन करता है तो इसका मतलब ये है कि आपका कश्मीर पीसफुल नहीं रह सकेगा फिर। और ये इंडिया जो है ये कोई भी इस किस्म का इकदाम जो करेगा वो एट द कॉस्ट ऑफ रीजनल पीस करेगा और इस खित्ते का अमन से और इंडिया की इस वक्त की लीडरशिप तो इस किस्म की खत्ती भी है कि वो अगर इस किस्म का इकदाम करती है तो उसका मतलब फिर यही होगा कि वो इस खित्ते में अमन के साथ खेल रहे हैं, वो हकीकत में पानी के साथ नहीं खेल रहे होंगे क्योंकि तो पानी की नाइंसाफी तो पहले से मौजूद है। कश्मीर को इसीलिए कायदे आजम शहर कहते थे क्योंकि हमारे सारे दरिया वहाँ से आते हैं, तो पहले ही 60-64 साल से जिस तरह आपने फरमाया एक बहुत बड़ा तबका ये कहता था ये अच्छा माहिदा नहीं था, ये हमारे हक में नहीं गया और हमने अपने मफादात बेचे। और ख़ास तौर पे जिस तरह आपने सतलुज का जिक्र किया उसकी बेल्ट वाले और रावी की बेल्ट वाले, रावी एक नाला बन के रह गया और सतलुज तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन, चूँकि हमारा ज़राती मुल्क है अभी भी, तो एक तो वो पानी की स्टोरेज वहाँ करना शुरू कर देंगे, वो उसके बाद फिर ऐसे मौक़ों पर जहाँ जब हमारी फसलें बिल्कुल पानी उनको ज़्यादा चाहिए उस वक्त पानी रोक लेंगे और जब ज़्यादा पानी हुआ करेगा बगैर इतला के वो फ्लड का पानी इधर भेज दिया करेंगे। ये तो जंग है, ये तो जंग है। भारत ने नोटिस भेजा है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर और पाकिस्तानियों को बोला है कि देखिए साहब ऐसा है ये बहुत टाइम से बेवकूफी चल रही है, वी नीड टू स्टार्ट अमेंडिंग इट। और ये बेसिकली आपको मैं बताऊं कि साहब दूसरी बारी आपने 2024 में पाकिस्तान को ये नोटिस भेजा है। पहली बार ही पाकिस्तान को ये नोटिस भेजा था, उनको बोला था कि भाई 30 दिन में आपने जवाब देना है, पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। और ये एक बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ अ लीगल डांस है जो भारत खेल रहा है पाकिस्तान के साथ, बिकॉज एक टाइम के बाद एम्पल नोटिस देने के बाद फिर आपके पास एक आर्बिट्ररी डिसीजंस लेने के लिए और आप अपने आप डिसीजंस लेने के लिए आप अपने आप को सेट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बोला है कि देखिए ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको रिव्यू करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एक अनफेयर है। भारत के पास जितना लैंड एरिया है और जहां पर रिवर्स एक्चुअली ओरिजिनेट करती है भारत के पास यूटिलाइजेशन जो शेयर है वो बहुत कम है। ये नोटिस दोबारा भेजा गया पाकिस्तान को 30 अगस्त 2024 को, जहां पर भारत ने बोला है कि साहब जो आर्टिकल 12 क्लॉज 3 है उसके अंदर जहां पर अमेंडमेंट्स और चेंजेस के बारे में लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई देश अमेंडमेंट और चेंज करना चाहता है तब दोनों गवर्नमेंट्स को बैठ के नेगोशिएशन करके इस दूसरे देश की जो भी कहानी है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने आपको बताया भारत बार बार बोलता रहता है कि भाई ये ट्रीटी वन साइडेड है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जितने भी प्रोविजन जो पहले साइन किए गए थे वी डोंट अग्री विद देम एनी मोर। भारत ने यह भी बोला है कि साहब आप लोग तो टेररिज्म प्रमोट करते हो और उल्टे सीधे काम करते हो भारत के अंदर, आपको लगता है कि ये सब करने के बाद हम आपके साथ ऐसी कोई ट्रीटी को ऑनर करेंगे, ये आपको गलत लगता है। देखें आमिर साहब ये तो बिल्कुल खुली जंग है और अल्लाह करे कि हम ऐसी किसी सिचुएशन से आने से पहले अपने मुल्क के अंदर अवाम का इक्तदार कायम कर लें तो फिर इस जंग को अवर्ट किया जा सकता है। अगर हमने अवाम को सप्रेस किया और इसी किस्म के हुक्मरान रहे जिस किस्म के आज हैं तो ये इस चैलेंज को फेस करने की अहलियत नहीं रखते। ये हमारे सियासतदानों का एक बहुत ही कमज़ोर एरिया है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त मुल्क को
अवाम का एकता और मुल्क में अवाम की क्यादत और मुल्क में अवाम की मुंतखिब शुदा क्यादत जो है वही इस मुल्क की तमाम इदारों को, इस मुल्क की अफवाज को, इस मुल्क को वो ताकत दे सकती हैं जो के खड़े होने पे हमने इसीलिए शुरू में किया, मगर फिर हमें भी ये आप हमने इसके लिए क्या किया है यहाँ किसी को पता ही नहीं है। यहाँ कहीं जिक्र सुना आपने कि हुकूमत ने इस पर रद्द अमल दिया हो या कहीं ये डिस्कस भी किया जा रहा हो? ये तो मतलब हर चीज को हर लम्हे बेचने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि इनका मुल्क में कुछ है नहीं। मैं तो बार बार एक ही बात करता हूँ, ये तो यहाँ से चोरी भी जो है यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते, वो भी बाहर ले जाते हैं। तो इसलिए ये कौन से इंटरेस्ट हैं जिनके लिए ये आवाज़ उठाएंगे? इंडिया में तो बहुत बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ताजर हैं, वो बहुत से मफादात दे सकते हैं बहुत से लोगों को। तो मतलब ये है कि इसलिए क्या सजेस्ट करते हैं कि उन्होंने तो अब ये कह दिया है कि हम इसकी कोई भी जो परमानेंट कमीशन है इसकी मीटिंग वो पहले ही नहीं हो रही, उन्होंने कहा जी अब कोई आपसे बातचीत नहीं होगी, हम आपसे ये इसको रीनगोशिएट करेंगे। तो हमारे लिए आपके ख्याल में क्या चॉइसेस हैं, क्या करेंगे हम शोर मचाने के अलावा? सर मेरे लिए तो मेरे लिए तो सबसे पहला एक तो ये चॉइस होगा कि पूरी कौम को कहें कि वो एक ख़ास वक्त के ऊपर जो है सड़क पे खड़ी होकर ये ऐलान कर दे कि हम अपने पानी को नहीं किसी को ले जाने देंगे। कौमें अपनी ताकत के साथ जिया करती हैं, कौमें अपनी एकता के ऊपर अपने हक को छीना करती हैं। मतलब ये है कि ये तो एक इंटरनेशनल क्राइम है, किसी इंटरनेशनल वाटर कोर्स को खुश करना, ये इतना बड़ा बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ द रीजन का वो वायलेशन है कि इसको अगर इंटरनेशनली आप बेसिक आपको पता है। मतलब ये है कि ये तो वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आप पूरी दुनिया में रोना धोना मचा सकते हैं कि भाई एक मुल्क जो है वो एक इंटरनेशनल वाटर कोर्स को ड्राई करे। आज आप सतलुज पे चले जाएं वो रेत का दरिया बन चुका है और ये क्राइम है। अब ये 21 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं अमेरिका यूएन में खिताब करने और यहाँ पे लाहौर के अंदर उन्होंने ये ऐलान किया हुआ है पीटीआई वालों ने कि हम आर या पार जलसा करेंगे। गवर्नमेंट उनको ना सिर्फ के इजाज़त नहीं दे रही, ललकारे मार रही है। ख्वाजा आसिफ साहब का कल ट्वीट था कि दो चार दिन और रह गए आप लाहौर आए, बाकायदा वो बाहर क्या लड़ना है। ये अंदरूनी लड़ाइयों की जो एक बिल्कुल एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं कि एज ए पुश किया जा रहा है कि आओ कुछ ना कुछ फसाद यहाँ बढ़े, अटक के पार आओ, अटक के पार आओ फिर देखते हैं तुम्हें। मतलब मेरे तो समझ से बाहर है कि वो डिक्शनरी कहाँ से लाऊँ, वो अल्फाज कहाँ से लाऊँ जिसमें इनको मुखातिब करूँ। ये डिफेंस मिनिस्टर है दुरानी साहब, ये डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर की बातें कर रहे हैं, आप इस तरह से ले लें बात को। मतलब जो मतलब जिनकी बात का मैं डिफेंस नहीं कर सकता वो मेरे मुल्क का डिफेंस करेंगे। सो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा नेगोशिएट करने के लिए भारत पाकिस्तान को कई बार नोटिस भेज चुका है लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कभी भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भारत को फेस करने से हिचकिचा रही है क्योंकि पाकिस्तान को ऑलरेडी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत से ज्यादा पानी मिल रहा है और ये भारत के साथ सरासर नाइंसाफी है क्योंकि भारत पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा देश है और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उस पानी को आधा आधा किया गया है। यानी आप यहीं से समझ सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत के साथ कितनी नाइंसाफी की गई है और ये भारत की ही शराफत है कि पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ 3 जंगे छेड़ने के बावजूद भी भारत ने कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट नहीं किया था। भारत ने अपने उन्हीं दरियाओं का पानी बंद किया है जो दरिया भारत के हिस्से में आते हैं। पाकिस्तान में जाने वाले दरियाओं के ऊपर भारत ने कभी भी रोक नहीं लगाई, उल्टा पाकिस्तानी भारत के ऊपर फालतू का इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत अपनी मर्जी के तहत पाकिस्तान में पानी छोड़ता है और अपनी मर्जी के तहत पाकिस्तान में जाने वाले पानी को बंद कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बाढ़ आएगी तो भारत में भी उसी टाइम आएगी और पाकिस्तान में भी उसी टाइम आएगी लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को एक बहाना बनाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी इतनी नाशुकरी कौम है
कि इनको अगर आप सारे का सारा पानी भी दे दोगे तो उससे भी पाकिस्तानियों का मन नहीं भरेगा और उस पानी को भी पाकिस्तानी पूरी तरह से यूज नहीं करेंगे, उसको उल्टा ये लोग समंदर में बहा देंगे। और जो पानी इस समय भारत में आ रहा है, पहले तो भारत उस पानी को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाता था, लेकिन इस समय भारत अपने 90% पानी को यूज कर रहा है और अब भारत को इससे ज्यादा पानी की जरूरत है क्योंकि ये सारे के सारे दरिया भारत से निकलते हैं तो इनके ऊपर सबसे पहला हक भारत का बनता है। पाकिस्तानी फालतू की बातें कर रहे हैं कि जो नीचे के देश होते हैं उनका उसके ऊपर पहला हक होता है। अब ये किस कानून के तहत होता है ये पाकिस्तान ही जाने, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाता रहता है। लेकिन अगर पाकिस्तानियों ने भारत के इस नोटिस के ऊपर भी गौर नहीं किया और पाकिस्तान इस ट्रीटी को नेगोशिएट करने के लिए नहीं आए तो अब भारतीय गवर्नमेंट ने यह ठान लिया है कि भारत पाकिस्तान में जाने वाले फालतू पानी को बंद करेगा और पाकिस्तान में सूखा आने का इंतजाम कर देगा। इस समय पाकिस्तानियों का यह खौफ बिल्कुल सही है, पाकिस्तानियों को इससे खौफ आना भी चाहिए, लेकिन इससे निपटने के लिए पाकिस्तान के सो कॉल्ड एनालिस्ट इनको फालतू की तरकीबें दे रहे हैं। इनको चाहिए कि ये लोग भारत के साथ टेबल पर बैठें और इस ट्रीटी को सही तरीके से रीनेगोशिएट करें, वरना जो पानी इनके देश में जा रहा है ये लोग उससे भी हाथ धो बैठेंगे। बाकी दोस्तों, आपका पाकिस्तानी मीडिया के इस वीडियो के ऊपर क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।